तो मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है किसी भी मैग्नेटिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन क्या है, ये मान लो एक डायपोल है, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल एम है, ये पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, सेपरेटेड बाय 2L, ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो डी डिस्टेंस पे आपको बी निकालना है, तो जहाँ बी निकालना है वहाँ पोल स्ट्रेंथ 1 और इमेजिनरी पोल नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये डी है, अगर ये एल है, तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये B1, और अगर ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा तो अल्टरनेट से ये थीटा, ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये थीटा। B1 के दो कॉम्पोनेंट्स है, B1 cos, B1 sin। B2 के दो कॉम्पोनेंट है, B2 cos, B2 sin। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये कॉम्पोनेंट इसके साथ क्या हो गया, कैंसल, नेट B की वैल्यू आएगी, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड। तो दोनों को ऐड करेंगे, B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो B2 की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम आएगी, B1 B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये फैक्टर इससे क्या जाएगा, कैंसल, वैक्टर दोनों कैंसल, नेट B की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इस ट्राइंगल से कॉस थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल से एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, रेज टू पावर 3/2। एम इंटू 2L क्या होता है, कैपिटल एम, तो ये बी की वैल्यू आ गई। तो इक्वेटोरियल लाइन, और अगर शॉर्ट डायपोल है तो एल डी ग्रेटर देन एल, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी क्यूब। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसा रिजल्ट आता था, एक्सियल लाइन से हाफ आता था, एक्सियल में रिजल्ट था 2m बाई डी क्यूब, इसमें m बाई डी क्यूब, राइट?